नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम नमकीन मसाला सेब बनाएंगे जो आप सबको बहुत पसंद आएंगे और बनाने में भी बड़े आसान हैं। तो आइए देखें, नमकीन मसाला सेब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बेसन 2 कप, तेल बेसन में डालकर गूंथने के लिए 1/4 कप, बेकिंग सोडा 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा कम, अजवाइन 1/4 छोटी चम्मच। ये मसाला है जिसमें हमने 10-12 काली मिर्च, 4-5 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है जो हमने दरदरा कूट लिया है, नमक 1/2 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार, तेल सेब तलने के लिए। तो सेब बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन का आटा गूंथना होगा। तो बेसन में हम ये मसाले मिला लेंगे, बेकिंग सोडा, अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डालेंगे ताकि और अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये मसाले, नमक और सारी चीजों को मिला लेंगे। ये तेल भी डाल देंगे। ये बेसन में हमने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ली हैं और अब हम इसका आटा गूंथेंगे। तो गर्म पानी की सहायता से हम एकदम नरम आटा गूंथेंगे। ये आटा बिल्कुल हमें चपाती के आटे से भी नरम गूंथना होता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे, बाद में एकदम ज़्यादा पानी ना हो जाए। और ये हमने आटा गूंथ करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए और फिर हम सेब बनाएंगे। 10 मिनट हो गए और हमारा बेसन का आटा फूल कर सेट हो गया है और अब हम सेब बनाएंगे। तो सेब बनाने के लिए हमें चाहिए सेब बनाने की मशीन। इसमें कई तरह की जालियाँ आती हैं, तो ये हमारे मोटे सेब बनाने की जाली है जो हम इसमें लगा लेंगे। इस तरीके से रखेंगे। और ये निकाल लेंगे। ये जो कंटेनर है इसमें हम अपना बेसन का आटा डालेंगे। तो थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लें ताकि आटा हाथ से ना चिपके, और इसमें से हम थोड़ा आटा निकाल करके और उसको थोड़ा लंबाई में इस तरीके से रोल कर लेंगे। और ये कंटेनर में हम इसे डाल देंगे इसी तरीके से, और थोड़ा सा पूरा कंटेनर भर लेते हैं। और इसे ऊपर कर लेंगे ताकि हम कवर को अच्छे से लगा सकें। और ये हम इस तरीके से इसके ऊपर फिट करके और कस देंगे। ये मशीन हमारी तैयार हो गई है सेब बनाने के लिए। अब हमारा तेल गर्म हो जाए तब हम सेब बनाते हैं। तो तेल को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि गर्म हुआ है कि नहीं। जरा सा बेसन का टुकड़ा डाल देते हैं और अगर वो सिककर ऊपर आता है तो हमारा तेल गर्म हो गया है। अभी बेसन तुरंत सिक के ऊपर आ रहा है, तेल हमारा बिल्कुल पर्याप्त गर्म है। तो अब हम ये सेब तल सकते हैं। तो इसको हम जस्ट पिस्टन को हम ऊपर की ओर पुश करेंगे और ये सेब निकलने लगेंगे और इसमें हम डाल देंगे तेल। और बस जितने सेब हमें डालने हैं उतने डाल के हम हटा लेंगे मशीन को।
और जैसे ही ये सेब तैरकर ऊपर आएंगे हम इन्हें पलटेंगे। ये सेब हम पलट देते हैं। थोड़ी सी गैस कम कर देंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए और इन्हें अब हम इस तरीके से निकाल करके और छलनी में रखेंगे। छलनी के नीचे हमने प्याला लगा लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल निकलेगा वो प्याले में चला जाएगा। इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना होगा, अगर ज़्यादा देर तक सेकेंगे तो ये थोड़े से सख्त हो सकते हैं। और अब फिर से हम सेब मशीन से कढ़ाई में डालेंगे। और मशीन हमारी खाली हो गई है, हम नीचे से ये इसका जो कवर है वो खोल लेंगे। लीवर हम ऊपर कर देंगे खींच करके और जो मशीन का जो कंटेनर है उसमें हम फिर से बेसन भर लेंगे। तो इसी तरीके से रोल बनाएंगे और मशीन के अंदर डाल देंगे। ये सेब हमारे तल गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसे तल के तैयार हो गए हैं। नमकीन मसाला सेब तैयार है। ये मसाला सेब हमने थोड़ा कम मसाले से बनाए हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च दरदरी कुटी हुई और लाल मिर्च भी अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। और ये कम मसाले वाले सेब, जिनको कम मसाला पसंद है वो खाएं और बाद में जिन्हें ज़्यादा मसाला पसंद है तो बाद में भी इनको हम थोड़ा चाट मसाला छिड़क करके तीखे बना सकते हैं। तो जैसे सेब आपको पसंद हो उस तरीके से आप खा सकते हैं। ये नमकीन मसाला सेब को आप अच्छे से ठंडा होने के बाद एक दो घंटे पूरे हवा में रहने दें, इन्हें अच्छे से ठंडा होने दें अंदर तक, तब आप कंटेनर में भरें और आप इन्हें अपने चाय के साथ सुबह शाम कभी भी निकालें और दो तीन महीने तक खाते रहें। आप ये नमकीन मसाला सेब बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।